पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा नेताओं को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुखपति और उसके समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गांव के लोगों ने मौके पर बीच बचाव कराया और पीड़ित भाजपा नेता ने दौड़कर अपनी जान बचाई। मारपीट का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल का मेडिकल कराया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। दरअसल मामला राजनीतिक है। ब्लॉक प्रमुख सीट को लेकर हो रही उठापटक के चलते ये मामला सामने आया है। देर शाम भाजपा नेता अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में सपा के ब्लॉक प्रमुख पति और उसके साथियों ने घेर कर मारपीट करनी शुरू कर दी। किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मारपीट की सूचना मिलते ही भाजपा के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और जमघट लगना शुरू हो गया। सीवीओ सिविल लाइन ने भाजपा नेताओं की बात सुनी और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। Smart Sound. Smart Sound. भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और बंटी ठाकुर है, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं। अच्छा, हुआ क्या है ये? मैं रतनपुर से आ रहा था साहब, और मुरादाबाद की तरफ को आ रहा था। पुल पार करते ही तीन गाड़ियाँ आई साहब, यूपी की CS 6316 और साहब UP 21 CP 0397, UP 21 DU 6455 साहब, और गुलाम जिलानी गुलाम रब्बानी उतरे। मैं साइड से निकल रहा था, मेरी गाड़ी में मारे साहब खिड़की मारी, मुझे गिरा दिया। फिर गिराने के बाद में गुलाम रब्बानी उतरे, गुलाम जिलानी उतरे साहब, मुजाहिद उतरे, तजम्मल उतरे, अन्य शूटर उतरे साहब, अन्य व्यक्ति दबंग किस्म के, और साहब मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा साहब। और मेरी गांव ग्रामीणों ने थोड़ी मदद करी साहब। ग्रामीणों ने कही क्यों मार रहे हो, तब जाके साहब मुझे छोड़ के वो लोग भजे, और साहब मेरी वीडियो भी बना ली वहाँ पीटते हुए ग्रामीणों ने, कुछ लोगों ने, और साहब वो वीडियो मेरे पास भी हैगी, मैंने यहाँ भी दे दी, SSP साहब को भी दे दी साहब। मगर अभी तक कोई भी पुलिस उनके घर पर नहीं पहुँची साहब, और मेरा मुकदमा अभी तक पंजीकृत नहीं कराया साहब। पुलिस मिली दवागत करके पता नहीं क्या चाहती है, मेरी जान लेना चाहती है, तो मुझसे स्वयं कह दे, मुझे गोली मार दे थाने में खड़े होकर बाहर। तहरीर दिया? मैंने तहरीर दे दी, मुझे 1.5 घंटा हो गया, ना तो उनके घर पुलिस पहुँची, ना कुछ हुआ, और ना साहब मेरा मेडिकल, मेरे शरीर गुम चोट है साहब, मेरे अंदर पता नहीं फ्रैक्चर है क्या है, मेरे सिर में घटना ये है मनोहरपुर की पुल के। मैं रतनपुर की तरफ से आ रहा था, मेरा गांव ग्राम बसेरा खास है, थाना कुंदर की है, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूं साहब, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। और साहब मैं ये लोग साहब कुंदर की ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, नगमा जिलानी के पति गुलाम जिलानी, इनकी शिकायत भी साहब मैंने करी है, मैं इनकी जांच करवा रहा हूँ। 3 माह से इनकी रिकवरी होने वाली है, यात्री सड़कों वगैरह में साहब, सड़कों में, और साहब ये मुझे धमकियाँ बार बार दे रहे हैं मारने की, का मारेंगे। इसकी शिकायत मैंने DIG महोदय को भी कर दी, SSP साहब को भी कर दी, मैंने साहब कहा मुझे सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। तो ये किसी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख है साहब, कल ये अखबार में निकला है, समाजवादी के ब्लॉक प्रमुख हैं, अभी ये BJP में साझा होना चाहते हैं, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में संघ के कार्यकर्ताओं ने ये घोषित कर दिया कि हमारी पार्टी में ये नहीं है। और माननीय जिलाध्यक्ष जी महोदय ने मुझसे शिकायत करवाना इनके स्टार्ट करवाई है, मेरे पास उसका प्रारूप भी है। क्या चाहते हो साहब? मैं चाहता हूँ जिससे कि उचित से उचित कार्रवाई हो इन लोगों के खिलाफ, ये गैंगस्टर लोग हैं, SPRA साहब के पास, SSP साहब के पास, टेबल पर देख लीजिए, इनके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे लगे हुए हैं, मगर साहब पुलिस कार्रवाई कर इन्हें जेल नहीं भेज रही गैंगस्टर में। कुंदर की चेयरमैन के पति के खिलाफ, कुंदर की ब्लॉक प्रमुख के पति के खिलाफ, जो साथ जो रहते हैं शूटर साहब, हाँ उनके खिलाफ साहब, गैंगस्टर मुजाहिद के, तजम्मुल के साहब, और गुलाम जिलानी रब्बानी बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति है, धमकियां दे रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।